एनडीपीएस अधिकृत एजेंसियां और एनसीबी के समक्ष नार्को अपराधों का डेटा निदान के अंदर उपलब्ध है और कई प्रकार के अलग अलग मॉड्यूल्स भी इसके अंदर रखा है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध कि निदान डैशबोर्ड का भी हम ढंग से अभ्यास करें, इसका उपयोग करें। आज स्वान दल का भी शुरुआत हुआ है और आगे पर मैं इतना भरोसा देता हूं कि हम प्रयोग कर रहे हैं, स्वान में भी हम आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। भारतीय स्वान ही नार्कोटिक्स के लिए ट्रेन करने का काम भी हमने शुरू कर दिया है और बहुत कम समय के अंदर ये दिन आएगा कि नार्कोटिक्स को आइडेंटिफाई करने वाले स्वान हमें बाहर से नहीं है। मित्रों, गृह मंत्रालय ने त्रिसूत्रीय फॉर्मूला पर काम शुरू किया है, संस्थागत संरचना की मजबूती, मैं आगे बात करूंगा एनकोर की, सभी नार्को एजेंसियों का सशक्तिकरण और समन्वय, सभी नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ने वाली एजेंसियां चाहे स्टेट की हो, सेंटर की हो या किसी और डिपार्टमेंट की, उसका सशक्तिकरण करना बहुत जरूरी है। दुनिया भर की बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट अच्छे से अच्छे इंस्ट्रूमेंट और अच्छे से अच्छी इनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना और विस्तृत जागरूकता अभियान और नशा मुक्ति, ये तीन मोर्चों पर हमने लड़ाई को डिवाइड की है और ये तीनों मोर्चों पर हम तेज गति से काम कर रहे हैं। मोदी जी हमेशा कहते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से ही समस्याओं का समाधान हो सकता है और ये समस्या तो एक प्रकार से ऐसी है जिसमें अगर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच नहीं है तो विफलता के अलावे कुछ काम। अगर हम युवाओं को नशे की लत से मुक्त कराने का अभियान तेज नहीं करेंगे तो कितनी भी नार्कोटिक्स पकड़ लो हम फेल हो जाए, और अगर कितने भी युवाओं को आप नशे से मुक्त कराओगे, अगर नए युवा इसके अंदर जोड़ने का अभियान, जागरूकता अभियान नहीं करोगे तो फेल हो जाओ, और ये दोनों कर लिया मगर नार्कोटिक्स को नहीं रोक पाए तो भी फेल हो जाओ। अतः ये तीनों चीजों पर, ये तीनों बिंदुओं पर हमने एक समान होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। मित्रों, एनकोर को जुलाई 2019 में हमने रिस्ट्रक्चर किया, इसके अंदर चार स्तरीय एनकोर मैकेनिज्म बनाया है। शीर्ष स्तरीय एनकोर समिति है, कार्यकारी स्तरीय एनकोर समिति है, राज्य स्तरीय एनकोर समिति है और जिला स्तरीय एनकोर समिति जो डीएम की अध्यक्षता में है। राज्य स्तरीय समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में है और भारत सरकार के अंदर दो लेयर और है। ये चार स्तर पर एनकोर मैकेनिज्म काम करता है और अब इसकी बैठकें भी मुझे कहते हुए आनंद हो रहा है कि रेगुलर हो रही है। फिर भी हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल की बैठकों पर ज्यादा थ्रस्ट देना पड़ेगा, ज्यादा वजन लेना पड़ेगा, क्योंकि अंततोगत्वा परिणाम लाने वाली एजेंसी तो डिस्ट्रिक्ट में ही है, जिससे सबसे पहले इस समस्या से मुकाबला करना है वो एजेंसी डिस्ट्रिक्ट में बैठी है। तो डिस्ट्रिक्ट जिला स्तरीय एनकोर समिति की बैठकें ठीक हो, सारे मुख्यमंत्री और गवर्नर साहिबान यहां बैठे हैं, फिर आप सबसे भी निवेदन है आपके अति व्यस्त कार्यक्रम में आप सप्ताह में 3 घंटा और 30 दिन में 1 दिन नार्कोटिक्स के लिए लगा दें तो मुझे लगता है कि अभियान बहुत तेजी के साथ है। मैंने भी मेरी डायरी के अंदर एक टाइम नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के लिए फिक्स किया। ये अप्रोच जब तक हम नहीं लेंगे, ये कल्चर हमारी ऑफिस से शुरू नहीं होगा तब तक ये परकोलेट नहीं हो। अगर हमारी ऑफिस से शुरू होता है तो अपने आप डिस्ट्रिक्ट तक चला जाएगा और जिस दिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय एनकोर समिति एक्टिवेट हो गई और परिणाम लाने लगी तो मल्टी डायमेंशनल परिणाम आएंगे और बहुत तेजी से परिणाम आएंगे। मित्रों, एक राष्ट्रीय नार्कोटिक्स हेल्पलाइन के निर्माण की आवश्यकता थी, एनसीबी ने मानस हेल्पलाइन के लिए एक प्रयास चालू किया है, मुझे आशा है कि कुछ ही दिनों में हम इसको जनता के सामने रख देंगे। मुझे बहुत खुशी है मित्रों कि 21 राज्यों में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन भी करो और इस
क्योंकि सार्वजनिक कार्यक्रम है, मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और मुख्य सचिव और डीजीपी को अनुरोध करना चाहता हूं, जो राज्य बाकी रह गए हैं वो जल्दी गठन करें, और जहां गठन हुआ है उस स्पिरिट को नीचे तक ले जाने के लिए उसको एक्टिवेट होने का हम काम करें। ट्रक और डार्कनेट पर लगा, ये हमने बहुत तेजी से एक ऐसा एरिया है जहां भी बहुत काम करने की जरूरत है। डार्क वे और क्रिप्टो करेंसी का व्यापार, ये दो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ। गृह मंत्रालय ने अभी ही डार्क वेव और क्रिप्टो मुद्राओं पर एक टास्क फोर्स का गठन किया है। हम प्रशिक्षण देने का भी प्रयास कर रहे हैं, और मादक पदार्थों की तस्करी और क्रिप्टो करेंसी आज एक दूसरे का एक स्वरूप से पर्याय बन गए, और इसे हमें राज्य स्तर पर भी बहुत तेजी के साथ इसके साथ जुड़ना पड़ेगा। बहुत सारे हैकेथॉन करके बच्चों को भी इसके साथ जोड़ना पड़ेगा, नए नए टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स को भी जुड़ना पड़ेगा। हम नहीं जानते समाधान, कंप्लीट समाधान कहां से मिलेगा, परंतु प्रयास करने से ही मिलेगा। तो इस दिशा में हम सब आगे बढ़े। एनसीबी ने डार्कथॉन प्रतियोगिता की भी संकल्पना की है, और डार्कथॉन संबंधी प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है, जिसके माध्यम से हम समाधान ढूंढने का पूरा प्रयास करें। ड्रग, डिजिटल और संबंध फॉरेंसिक्स। मित्रों, एनसीबी और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ है। इस समझौते के तहत हम मॉडल फॉरेंसिक लैब कैसी हो सके, किसी भी राज्य को मॉडल फॉरेंसिक लैब बनानी है तो हम नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी उनको पूरा गाइडलाइन देगा, एनसीबी पूरा गाइडलाइन देगा, और इस दिशा में एक एसओपी भी बनाने के लिए दोनों प्रयास कर रहे हैं। आज पंजाब के मुख्यमंत्री यहां बैठे हैं, सब लोगों ने कहा कि पंजाब में समस्या ज्यादा है। मैं मानता हूं पंजाब में समस्या ज्यादा है, बॉर्डर का स्टेट है और समस्या ज्यादा है, इसलिए हमें वहां प्रयास भी ज्यादा करना पड़ेगा। भगवान मान साहब हमें जमीन और मकान दे दे, हम फॉरेंसिक लैब भारत सरकार की ओर से अमृतसर में भी बनाएंगे, और एनसीबी का वहां पर एक छोटा सा सेंटर भी खोलेंगे जो ट्रेनिंग वगैरह का, क्योंकि हम समस्या का जब तक समाधान करने के लिए जॉइंट एफर्ट्स नहीं करेंगे, भारत सरकार पंजाब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए खड़ी है। जानते हैं कि पंजाब के युवा को नशे से बाहर निकाल, जो भी एफर्ट्स करता है इसके साथ हम खड़े हैं, और चंडीगढ़ के सेंटर के अलावे अमृतसर में एक सेंटर भी बनाएंगे और फॉरेंसिक साइंस का हम लैब भी बनाएंगे, और पंजाब के नशा के खिलाफ की जो लड़ाई है उसको भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत करेगी, इसका मैं आश्वासन देना। मित्रों, अवैध ड्रग की खेती, इसके लिए भी राज्यों ने ड्रोन के उपयोग को बढ़ाकर, टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाकर, रेवेन्यू सर्वे नंबर का उसको डिजिटाइज कर हमने इसको बहुत जल्दी से रोकना था। बाहर से आने से रोकने से अकेला नहीं, हमारे यहां भी तो कितनी है, इसको रोकना पड़ेगा। एनसीबी भाष्टाचार्य सेंटर के साथ मिलकर एक संयुक्त तो प्रयास कर रही है। हम पाइसेक के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से एरिया आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक विशिष्ट प्रकार की सैटेलाइट इमेज की पहचान की सिस्टम भी डेवलप कर रहे हैं, और इमेज की पहचान की वो सिस्टम डेवलप होने के साथ ही आपके सचिवालय के अंदर ही, सेक्रेटरी के अंदर भी सर्वे नंबर के साथ आपको एरिया मिल जाएगा कि यहां पर ड्रग की खेती है। अगर ये हो जाता है तो फिर नष्ट होने में हमें देरी नहीं करनी चाहिए। मेरा सभी राज्यों से भी अनुरोध है कि आप डायरेक्ट भी भाष्टाचार्य इंस्टीट्यूट बाइसेक का संपर्क कर सकते हैं, वो आपकी मदद करने के लिए जरूर मदद करने के लिए तैयार होगा। मेरी उनसे बात की, दोहरे उपयोग वाली दवाई, इसके भी दुरुपयोग को हमने रोकना पड़ेगा। इसके लिए गृह मंत्रालय की इनिशिएटिव से स्वास्थ्य और समाज परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन और फार्मास्यूटिकल मंत्रालय के साथ
स्थायी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन भारत सरकार ने किया है, कितनी दवाइयों को अनिवार्य रूप से बंद कर, कितनी दवाई अनिवार्य है उसका क्लासिफिकेशन फिर से एक बार हम देखेंगे, और मुझे भरोसा है कि इसको एक बार जब राज्यों को कहेंगे तो राज्य भी इसको कठोरता के साथ आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, समुद्री मार्ग से तस्करी रोकना एक बहुत महत्वपूर्ण, भारत सरकार की एजेंसियों ने कोस्ट गार्ड के साथ और समुद्री तट पर बसे राज्यों के साथ मिलकर बहुत बड़ी मात्रा में लगभग विगत एक साल में वैल्यू की दृष्टि से, कीमत की दृष्टि से जितना भी ड्रग पकड़ा गया इसका 81% ड्रग समुद्री मार्ग से पकड़ा गया है। मैं आपको इसलिए बताता हूं कि एक रास्ता हम बंद कर दे और आश्वस्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। वो लोग दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं, हमें भी ढूंढना पड़ेगा वो कौन से रास्ते से आ रहे हैं। तो समुद्री मार्ग से तस्करी, जैसे ये 5 राज्यों के यहां ये समस्या नहीं है और राज्यों के, मैं इसलिए इसको इंगित करना चाहता हूं कि भारत प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग के चौराहे पर है। हमारी समुद्री सीमा से न लंका जाने देना है, न पूर्व के देशों में जाने, न भारत में आने। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, भारत की सरजमीन ना ड्रग बनाने देगी, ना ड्रग को आने देगी, ना ड्रग को यहां से बाहर जाने देगी। भारत का संकल्प है मोदी जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट ड्रग, ये दुनिया की लड़ाई है जो भारत में है। और इस चीज के साथ हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। कई हवाई अड्डों पर हमने अलग प्रकार के पद्धतियां भी विकसित की है, मैं सार्वजनिक करना नहीं चाहता। कस्टम और डीआरआई ने भी कई प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाए हैं जिससे तुरंत ही हमें सूचनाएं मिल जाती है, और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए भी FIU और ED दोनों के साथ बहुत गहन विचार विमर्श गृह मंत्रालय करता है और एक्टिव पार्टिसिपेशन इनका भी होता है। वित्तीय जांच जो की जा रही है उसमें सिर्फ जांच कर छोड़ नहीं रहे, इनकी संपत्तियां भी जब्त कर रहे हैं और उनके मूल कहां तक है वहां तक जाने का काम हम कर रहे हैं। नशीली दवाइयों के स्रोत और गंतव्य और पूरा नेटवर्क का चार्ट एक एक केस का बनाने का हम आगे पर करेंगे। हमने जिले तो आज इंगित किए ही 272, इसमें तहसील भी इंगित की है, लगभग 80,000 से ज्यादा गांव भी इंगित हो। अब एरिया हमारा तय है कि लड़ाई कहां लड़नी, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने कहां लड़नी है, गृह मंत्रालय ने कहां लड़नी है, समुद्र की हमारी निगरानी करने वाली एजेंसियों ने कहां लड़नी है और राज्यों ने कहां। अब हमारा काम है संकल्प के साथ हर व्यक्ति हर एजेंसी अपने अपने क्षेत्र जो अपने कार्य क्षेत्र है इसके अंदर ये लड़ाई को मजबूत ले जाए। मित्रों, भारत सरकार ने 44 विभिन्न देशों के साथ नार्कोटिक्स के लिए अलग अलग प्रकार के हस्ताक्षर भी किए हैं, समझौता ज्ञापन भी किए हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान शुरू हो गया है। मैं इतना कह सकता हूं 44 देशों के साथ आज हम एक साथ मिलकर दुनिया भर की यह समस्या है इसको दुनिया से समाप्त करने के लिए अपना योगदान देने के लिए तैयार है। मित्रों, मेरी राज्यों से भी बहुत आवश्यकता है, लड़ाई अकेली केंद्र सरकार नहीं लड़ सकती, राज्य की लड़ाई लड़ने की गति केंद्र से 2 गुना से ज्यादा है तभी जाकर परिणाम, और राज्य भी अकेला नहीं लड़ पाए, राज्य ने इस लड़ाई को परकोलेट करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट तक, तहसील तक, गांव तक, और एनकोड पोर्टल और निदान प्लेटफॉर्म इसका समाधान देगा। एनकोड पोर्टल और निदान प्लेटफॉर्म का जितना उपयोग आप करेंगे मुझे लगता है इसका जितना उपयोग करेंगे इतना ज्यादा समस्याओं का हम समाधान कर जाएंगे। एनकोड तंत्र और ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन समिति का सदुपयोग हमने करने की आदत भी डालनी पड़ेगी और उसके निर्देशों को हमने इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। ड्रग्स की बड़ी जब्ती के मामले में भी मेरा राज्यों से अनुरोध है इसको सेंट्रल स्टेट का मामला हम न बनाए, जहां पर भी आपको लगता है
ये मामला हमारी राजनीतिक सीमा के बाहर जाता है। आप एनसीबी और एनआईओ को केस हैंड ओवर कर हम इसको, अगर राज्यों की सीमा के बाहर जाता है तो आप एनसीबी को दे दीजिए, अगर देश की सीमाओं के बाहर का मामला है तो आप एनआईए को दे दीजिए। देश की संसद ने एनआईए को विदेश के अंदर जांच करने के लिए सक्षम बनाया। हम समस्या का समाधान चाहते हैं और मैं भरोसा देना चाहता हूं कि राज्य की केंद्र की ये दोनों एजेंसियां राज्य को भरोसे में लेकर, राज्य को साथ में लेकर ही जांच करेगी। अगर जब आपके दायरे में ही जांच नहीं है तो आप कैसे जांच करोगे? जांच को वहां आधा अधूरा छोड़ना पड़ेगा। मेरा आप सभी से निवेदन है, एक बार हम सब साथ में आकर लड़े। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के साथ बातचीत चल रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट और एक्सक्लूसिव कोर्ट इसके लिए भी बात हो रही है। प्रोसिक्यूटर ट्रेनिंग के लिए भी हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मित्रों, आज इन पांच राज्यों का सम्मेलन यहां बुलाया गया है। ये पांच राज्य और नॉर्थ ईस्ट पूरा एक धरती समस्या का प्रवेश द्वार भी है और यहां के युवा सबसे ज्यादा ड्रग के समस्या से ग्रसित है, पंजाब विशेष रूप से। इसलिए ये पांच राज्यों ने भी अपने राज्यों की एक कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। पंजाब से अगर हरियाणा जाता है तो हरियाणा को सूचना तुरंत मिल जाए, हरियाणा उसको दिल्ली की ओर नहीं जाने देगा। कश्मीर से अगर ड्रोन से आता है तो इसको भी आगे, ड्रोन पर भी डीआरडीओ और काफी लोग मेहनत कर रहे हैं। मुझे भगवान मान जी ने कहा कि पंजाब भी कुछ प्रयोग कर रहा है, मुझे भरोसा तो है कि समय में ही हमारे बच्चे, हमारे टेक्नीशियन, हमारे साइंटिस्ट इसका रास्ता निकाल देंगे। अगर ड्रोन आज हमारे लिए समस्या बना हुआ है, जबकि तस्करी के लिए, हथियारों की तस्करी के लिए जाली नोटों को यहां ला दें, अगर उस पर भी युद्ध स्तर पर हम काम कर रहे हैं। मित्रों, आज मैं इतना ही अंत में कहना चाहता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में मोदी जी ने कहा है कि अमृत महोत्सव से शताब्दी तक जो अमृत काल है इसमें हम संकल्प लें। मेरा भी सम्मेलन में आप सभी को अपील है कि हम सब भी संकल्प लें कि ढंग से भारत की युवा पीढ़ी को पूर्णतया मुक्त कराएंगे और एक समृद्ध और नए भारत की रचना में अपना योगदान देंगे। मुझे भरोसा है हर राज्य का सहयोग मिलेगा, हर राज्य प्रोएक्टिव रोल भी करेगा और हर राज्य आगे बढ़कर केंद्र से भी आगे बढ़कर जबकि समस्या को अपने अपने क्षेत्र में समाप्त करने के लिए करेगा। ये दो दिन का सेमिनार अनेक प्रकार के डिस्कशन करने वाले हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं की चर्चा भी करने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन भी होगा और समस्याओं का समाधान भी होगा। आयोजकों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को अंत में मैं गृह मंत्रालय की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने उपस्थित रहकर यहां सहकार देकर इस समस्या के खिलाफ लड़ने का मेरे मंत्रालय का संबल बढ़ाया है, हमारा हौसला बढ़ाया है और इससे ऊर्जा भी है। अंत में आप सभी को सम्मेलन के लिए शुभकामनाएं देकर मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।